चेतहारी माँ। हर जीवन अनेक प्रकार के रंगों से भरा हुआ है। बातचीत वही रंग बांटेगी आप सबके साथ। हम सब एक हैं, बस सोच अलग अलग है। बटोर लीजिए उन रंगों को, जो भी आप चाहें इस बातचीत से, और ढाल लीजिए अपनी सोच में। यही मकसद है इस बातचीत का। आइए मिलते हैं अपने प्यारे से मेहमान से, अतिथि देवो भव। जयधारी माँ मम्मी। जयधारी माँ बेटे, प्रोसीड। जयधारी माँ। जय धारी माँ, आप सभी को नमस्ते। बच्चों को ढेर सारा प्यार। द फ्लाइंग सिख, सरदार मिल्खा सिंह जी, अ मैन हु हैज रिजन फ्रॉम द एशेस सो मेनी टाइम्स, ईच टाइम ब्लेसिंग्स, करुणा, कृपा, रब दी मेहर has come to his rescue. Unhone zindagi ko, he gave life, his sweat, tears and blood, sirf ek ardas ke saath. Sachche badshah, laaj rakhi, wo pukar itni sachi thi, unhone laaj rakhi. Aayye, एक वीडियो देखते हैं उन पर। आइए। जय धारी माँ। सरदार मिल्खा सिंह जी एक शेर अर्ज करते हैं, कहते हैं, हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अहम हमारा भी हिस्सा है अज्म जिंदगी बनाने में। आइए उनकी जिंदगी की एक झलक देखते हैं। रनिंग के अंदर जो एथलीट होता है वो ट्रेनिंग करता है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करता है कि वो उसको ग्राउंड जो है जैसे शेर बैठा है वहां पे। वीडियो चल रहा है। जय धारी माँ। सरदार मिल्खा सिंह जी एक शेर अर्ज करते हैं, कहते हैं, हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अहम हमारा भी हिस्सा है अज्म जिंदगी बनाने में। आइए उनकी जिंदगी की एक झलक देखते हैं। रनिंग के अंदर जो एथलीट होता है वो ट्रेनिंग करता है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करता है कि वो उसको ग्राउंड जो है जैसे शेर बैठा है वहां पे आ जाएगा मुझे। वो रोज वही रूटीन जा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। मगर फिर वो सोचता है कि यार मेरा तो ये गोल है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। कितनी बार मैं डेथ बेड पे रहा,
कितनी बार मुझे ऑक्सीजन लगी रही, मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा ट्रेनिंग के दौरान। मगर वो लोगों की तालियों की गूंज जो होती थी ना, वो मुझे ऊपर उठाती थी। Mummy, am I back? Bitte, proceed. You are already on camera. Go ahead. I can't. I'm not being able to connect with sir. I can't see sir. I can see him. बच्चे मैं आपके सामने बैठा हूँ, फिक्र मत करो, बात कीजिए। आप सामने बैठे आप। हाँ हाँ जी, बोलो क्या पूछना चाहती हो। There's a connectivity connection issue with you, है ना? There's connectivity with her. बच्चे क्लियर नहीं है आपकी आवाज, आप सामने बैठे हो मेरे, मगर आवाज आपकी नहीं आ रही मुझे। बेटे मुझे उनकी आ रही क्लियरली, तुम्हें नहीं उनकी आ रही? तुम्हें नहीं आ रही साइना? साइना बेटे बोलो क्या बात है, चुप क्यों कर गई हो? वो आपकी कनेक्टिविटी। हाँ किरण, हाउ आर यू, कैसी हो आप? बेटे आपको हाँ जी जय धारी माँ सर, वेरी वेलकम। आई कैन सी यू सर, आई कैन सी यू सर। हाँ थैंक यू वेरी मच जी सर। नमस्कार जी सर। जी 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 सर। सर आई मम्मी मैं शुरू करूँ जी? प्लीज शुरू करो बेटे। सर आपने यू हैव 177 रेसेस आउट ऑफ 80 विन आफ्टर विन, आपने अपने आप को इतना रियल हम्बल ग्राउंडेड कैसे रखा सर? साइना बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको और किरण जी को प्यार भेजता हूं, और मुझे खुशी है कि आपने ये जो सवाल किया है वो तो आपने मेरा एक शेर जो था वो आपने सुना ही दिया। वो शेर ये था बच्चे कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। ये अगर हाथ की लकीरें अगर आप ज्योतिषी को दिखलाओ, ज्योतिषी आपको बड़े से बड़ा दुनिया में आदमी बना देता है कि आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, आप मिनिस्टर बन जाओगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, मगर मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। तो बच्चे ये शेर मैं आपको सुनाता हूँ, उसका मीनिंग, ये शेर जो है हर इंसान पे लागू होता है। आपकी मदर आपके सामने बैठी है, इसने भी इतना हार्ड वर्क किया है कि इसने अपना नाम पुलिस में छोड़ा है और इसका इन्होंने आप पॉलिटिक्स के अंदर भी हिस्सा लेके और यहाँ पे पहुंची हैं ये, तो मुझे इस बात की खुशी है। मैं ये शेर आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। ये हाथ की लकीरें अगर आप ज्योतिषी को दिखलाओ, ज्योतिषी आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देता है, मगर मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता क्योंकि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। तो वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती,
अजम हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अजम एक उर्दू का लफ्ज है बेटे, जिसका मतलब ये है, जिसका मीनिंग ये है कि जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करेक्टर है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू लेते हैं। आज जिंदा मिसाल मिल्खा सिंह की आपके सामने है, आज जिंदा मिसाल आपकी मम्मी की आपके सामने है, आज जिंदा मिसाल मोदी जी की आपके सामने है, आज जिंदा मिसाल जो है ओबामा जी, जो लोग जिंदा हैं उनकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। जो गुजर गए हैं उनके बारे में तो लोग मिसाल देते रहते हैं, मगर जो लोग जिंदा हैं उनके बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज मिल्खा सिंह ने अपना जीवन बनाया किस वजह से, हार्ड वर्क और विल पावर थी मिल्खा सिंह के अंदर। मुझे मालूम था कि जिस तरह से मैं ट्रेनिंग करता था लोग मुझे कहते थे मिल्खा सिंह की डेथ हो जाए, मगर मैंने इरादा बनाया था चाहे डेथ हो जाए मगर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, जो गोल है मेरा, मैं उसको तोड़ के रहूंगा। तो बच्चे मुझे याद है कि 1956 में ओलंपिक गेम में जाने से पहले हर फील्ड के अंदर जेलसी होती है, मेरी मम्मी को मालूम है। हाँ जी, हर फील्ड का मतलब ये है कि चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, हर एक में जेलसी होती है। तो जब मेरी सिलेक्शन हो रही थी बाहर जाने के लिए, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो जो लड़के पहले इंडिया के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड आया करते थे, उन लोगों ने कहा कि ये मिल्खा सिंह कहां से आ गए, भाई मिल्खा सिंह हमारे से आगे आ रहा है, ये क्या बात है। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई और रात को उन्होंने मेरी टांगें तोड़ने की कोशिश की। तो जब उन्होंने मुझे डंडे मारे मेरी टांग, और नेक्स्ट डे सुबह हमारे ट्रायल रात को उन्होंने मारा मुझे आके, तो मेरे कोच ने पूछा कि ये क्या हुआ, किसने आपको मारा। मुझे मालूम था कि किन लोगों ने मुझे मारा है, क्योंकि जो बच्चे मैंने आपको बताया कि जो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडिया में आया करते थे, उन्होंने कहा ये नया लड़का कहां से आ गया। तो वो लोग थे जिन्होंने मेरी टांगें तोड़ने की कोशिश की। तो जब सुबह ट्रायल हुए तो मेरे कोच ने मुझे मना किया, मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया कि मिल्खा मत दौड़ो, अगर दौड़ोगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, आपको बुखार है। मैंने कहा नहीं, मैं तो जरूर दौड़ूंगा, मैंने इतनी मेहनत की है, पूरा साल 2-3 साल लगाए हैं, तो मैंने दौड़ना ही दौड़ना। तो बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उस ट्रायल के अंदर दौड़ा और जो लड़के पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडिया में आया करते थे उनको मैंने बीट किया, नंबर वन पे आया और मैं सिलेक्ट हो गया, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो ओलंपिक गेम 1956 में हुए उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गया। वहां पे गया और वहां पे फर्स्ट राउंड में ही मैं 400 मीटर के बारे में अगर आपको मालूम है तो फाइनल में, तो आपकी मदर को मालूम होगा, किरण जी जानती होंगी कि फर्स्ट राउंड होता है 6 लोग दौड़ते हैं, उसमें से 3 पहले ले लेते हैं, 3 जो पीछे वाले होते हैं वो निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो देन सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, फिर जाके क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर जाके फाइनल होता है। तो मैं पहले राउंड में ही बाहर हो गया। तो बच्चे मैंने ये इरादा बनाया कि जो आदमी यहाँ पे 400 मीटर के अंदर फर्स्ट आया है ओलंपिक गेम के अंदर, अमेरिकन जो था लड़का, चार जेंकन, मुझे अपना नाम याद है उसका, तो मैंने कहा मैं उससे जाके मिलूंगा और पूछूंगा कि वो किस तरह से ट्रेनिंग करता है, कितनी हिल रनिंग करता है, कितनी सैंड रनिंग करता है, कितने स्टार्ट लेता है, कितनी क्रॉस कंट्री करता है। मैंने कहा मैं जाके इससे सारी बातें करूंगा। तो बच्चे आप हैरान हो गए कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती थी। तो मैंने जो मेरे रूममेट था साथ में महेंद्र सिंह, उसको मैंने साथ लिया, वो 10वीं पढ़ा हुआ था, वो बेचारा गांव का, उसको भी इंग्लिश नहीं बोलना आती थी, तो मैंने उसको साथ लिया। तो ओलंपिक विलेज होता है, ओलंपिक विलेज अंदर आपको मालूम है कि यहाँ पाकिस्तान रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, यहाँ पे अमरीका रह रहा है, दूसरी कंट्रीज वाले आसपास सारे होते हैं एक दूसरे के विलेज के अंदर। तो अमेरिकन जहाँ पे टीम रह रही थी करीबन हमारे घर से, मेरे ख्याल हमारे रूम से, मेरे रूम से 2 मिनट की वॉक होगी, तो हम उसके रूम पे चले गए। मैंने महेंद्र सिंह को साथ लिया कि मैंने कहा मैं उस आदमी से पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, क्या करता है।
तो बेटे जब हम उसके पास गए तो वो, क्योंकि उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ था, प्रेस वाले सारे बैठे थे, कैमरा वाले सारे वहां पे बैठे थे, तो उसने कहा यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो उसने महेंद्र सिंह ने कहा मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह। उसने कहा 400 meter। तो उसने बेचारे ने हमें जवाब दिया कि भी आई एम बिजी टुडे एंड काइंडली कैन यू कम टुमारो। तो हम कल तैयार होके फिर वहां पे पहुंच गए। तो बेटे उसने मुझे सारा प्रोग्राम लिख के दिया, वो सारी चीजें जो थी, मैंने आके जब मैंने लैंड किया इंडिया के अंदर, मैंने धरती माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड कार्ड नहीं तोड़ लूंगा मैं आराम से नहीं बैठूंगा। तो बेटे हुआ ये कि जब मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचने के बाद मेरा कोच जो था उसकी तो अब डेथ हो गई, बेचारे के रणबीर सिंह, सारा क्रेडिट मैं उसको देता हूं कि अगर आज मिल्खा सिंह का नाम है, सारा क्रेडिट रणबीर सिंह को जाता है, सारा क्रेडिट जो है वो आर्मी को जाता है। अगर मैं आर्मी में नहीं जाता तो शायद मैं इतना फेमस नहीं बन पाता और इतना इंडिया का नाम ऊंचा नहीं कर पाता, क्योंकि आर्मी में जाने के बाद ही मुझे पता चला कि 400 मीटर क्या है, 100 मीटर क्या है, ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें मुझे आर्मी में जाने के बाद पता चली। तो बच्चे ये मैंने आपको बता दिया कि आज मेरा नाम है, इंडिया का नाम है, तो ये क्रेडिट आर्मी को जाता है और मेरे कोच को जाता है कि जिसने मेरा इतना हार्ड वर्क कराया मेरे से, कि मैं डेथ बेड पे कितनी बार रहा, कितनी बार मुझे ऑक्सीजन लगी रही, मगर इरादा इतना मजबूत था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के रहूंगा। जो शेर सुनाया था मैंने, उसका मीनिंग मैंने सारा आपको बता दिया है। कोई भी आदमी किसी फील्ड के अंदर भी अगर कामयाब होना चाहता है, हार्ड वर्क के बगैर, विल पावर के बगैर, डिसिप्लिन के बगैर कोई आदमी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। आज तेरी मम्मी की मिसाल हमारे सामने है, क्योंकि किरण जी ने जो नाम कमाया है, आज कितने गवर्नर है हिंदुस्तान के अंदर आपको मालूम है? कम से कम 27-28 स्टेटें हैं, 30 स्टेटें हैं, सब के अंदर गवर्नर लगे हुए हैं, मगर तेरी मम्मी को सब जानते हैं कि किरण बेदी कौन है, गवर्नर लगी हुई है फलानी जगह, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। आज पुलिस में इसका नाम सारे इंडिया के अंदर जहां मैं जाता हूँ किरण बेदी को लोग जानते हैं। कितने IG रिटायर हुए हैं, कितने DGP रिटायर हुए हैं, कोई किसी को नहीं जानता, मगर किरण बेदी को सब जानते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि हार्ड वर्क के बगैर कोई इंसान बोलो और क्या पूछना चाहती और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन सर। फिजिकल आपने 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 फिजिकल आई एम सॉरी आज ये कनेक्टिविटी का बहुत इशू हो रहा है सर। आपने फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करी है, आपने लगन की बात करी है, मेंटल स्ट्रेंथ सर, मेंटल स्ट्रेंथ एंड लव फॉर द नेशन, आप वो शिक्षा दीजिए हमारे बडिंग स्पोर्ट्समैन को, लव फॉर द नेशन, व्हाट द नेशनल फ्लैग मींस टू देम, व्हाट इज नेशनल एंथम मीन टू देम, एंड लगन सर, मेंटल स्ट्रेंथ। बिल्कुल बच्चे आपने ठीक कहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने ओलंपिक गेम्स के अंदर कुछ मेडल जीते हैं, और वो कौन सी गेम्स हैं वो मैं आपको बताना मेंशन करना चाहता हूं थोड़ा सा। वो ये है कि हमने बैडमिंटन में बहुत अच्छा किया है गोपी चंद की वजह से, बिकॉज गोपी चंद कोच है और उसने जो बच्चे प्रोड्यूस किए उन्होंने जाके हमारे देश का नाम जो है दुनिया भर में बैडमिंटन ने ऊंचा किया, नंबर वन। नंबर टू, हमने रेसलिंग के अंदर हमने काफी अच्छा नाम पैदा किया है, हमने बॉक्सिंग के अंदर काफी अच्छा नाम पैदा किया है, शूटिंग के अंदर हमने काफी नाम पैदा किया है, मगर बच्चे आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो जो एथलेटिक जो है सारी दुनिया के अंदर नंबर वन गेम मानी जाती है। ओलंपिक के अंदर जब भी जितनी भी कंट्रीज आती हैं, 220-230 कंट्रीज, वो एथलेटिक के अंदर सारी पार्टिसिपेट करती हैं, और एथलेटिक के अंदर जो मेडल जीतता है उसको वो समझते हैं कि ये वाकई कंट्री है जिसने के एथलेटिक के अंदर मेडल जीता है। आज एक हुसैन बोल्ट है, उसका सारे इज द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सारे जमैका का नाम है कि उस आदमी ने देखो कितना जाके दुनिया के अंदर नाम कमाया जमैका। तो बच्चे मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि एथलेटिक के अंदर हम 6-7 लोग हुए हैं जो फाइनल ओलंपिक में पहुंचे हैं आफ्टर इंडियन पार्टीशन,
पार्टीशन के बाद जितनी ओलंपिक गेम्स हुई हैं, हम 5-6 आदमी फाइनल में पहुंचे हैं, मगर हम गोल्ड मेडल नहीं ले पाए। पहले नंबर पे मिल्खा सिंह 1960 के अंदर, दूसरे नंबर के ऊपर पीटी उषा, तीसरे नंबर के अंदर साइना नेहवाल, क्या नाम है, अंजू जॉर्ज, चौथे नंबर के ऊपर श्री राम सिंह, पांचवे नंबर के ऊपर गुरबचन सिंह रंधावा। ये 5 आदमी थे जो फाइनल के अंदर आए हैं, फाइनल में पहुंचे हैं, मगर मेडल इनके हाथ से गिर गया। मुझे अब भी जब याद आता है वो रोम ओलंपिक का सीन तो मुझे रोना आ जाता है। मैं रोया हूं जिंदगी में 2-3 बार, मगर ओलंपिक वाली रेस जो जो, जो मेरे हाथ से गोल्ड मेडल गिर गया वो जब याद करता हूं तो मैं हमेशा रोता हूं। बेटे बात ये थी कि मिल्खा सिंह ने, आपने अभी बताया कि 80 इंटरनेशनल रेसेस जीती दुनिया के अंदर, और सारी दुनिया को ये यकीन था रोम ओलंपिक में जाने से पहले। मैंने मिल्खा सिंह पेरिस में दौड़ा जीत गया, मिल्खा सिंह लंदन में दौड़ा जीत गया, मिल्खा सिंह अमेरिका में दौड़ा जीत गया, मिल्खा सिंह मास्को रशिया में दौड़ा जीत गया। तो मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस जीती जहां पे 70-80 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी एक इंटरनेशनल मीट के अंदर। तो लोगों को ये यकीन था कि अगर 400 मीटर का गोल्ड मेडल रोम ओलंपिक में कोई जीतेगा तो इंडिया का मिल्खा सिंह जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। तो वो मेरी बैड लक थी, इंडिया की बैड लक थी, वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया। तो मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि आई एम इन 91 नाउ, 91 एज के अंदर ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि दुनिया छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया वो कोई ना कोई नौजवान हमारे इंडिया में से लड़का या लड़की उठे, एथलेटिक में जाके गोल्ड मेडल दे, वो तिरंगा झंडा लहराए, वो नेशनल एंथम बजाए, वो देख के जाऊं तो मेरी आत्मा को खुशी हो। तो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है बच्चे, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। और मैं बच्चों से, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हैं? वी प्रे कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो, लेकिन वो आपके जैसा मिसाल दोबारा फॉर अस टू सी समबडी लाइक यू, आर स्पोर्ट्समैन, आर स्पोर्ट्स गर्ल्स बॉयज विल हैव टू रन द एक्स्ट्रा माइल्स, दे विल हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस एंड द टेम्पटेशंस, दे विल हैव टू रन द एक्स्ट्रा माइल। मम्मी सर ये पूछने की कि ऐसा पैदा कैसे होगा, ऐसा नरिश कैसा होगा, आई थिंक दैट्स अ गाइडेंस वी नीड एट द मोमेंट फ्रॉम हिम। किरण जी आप तो स्पोर्ट्स वाली रही हैं, मैंने आपको खेलते हुए देखा है, आप टेनिस की नेशनल चैंपियन भी रही हैं, मगर कल ही मेरी बात स्पोर्ट्स मिनिस्टर से हुई, जो हमारे सेंटर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उसने मुझे टेलीफोन किया कि मिल्खा जी हम आपकी चाहते हैं कि आप हमें हेल्प करेंगे किस तरह से हमारा स्टैंडर्ड ऊपर आ सकता है। करेक्ट। तो मैं किरण जी मैंने उनको ये सुजेस्ट किया कि ऑल इंडिया स्कूल गेम्स होती हैं। यस। ऑल इंडिया स्कूल गेम्स के अंदर हर गेम के अंदर हर उम्र के बच्चे आए होते हैं, 10 साल के बच्चे भी होते हैं, 12 साल के भी होते हैं, 14 साल के भी होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक तो बच्चे जो हैं वहां से, क्योंकि सारी कंट्री का टैलेंट वहां पे आया होता है, yes. तो आपको वहां से बच्चे पकड़ने चाहिए, That's और right. उनको स्पोर्ट्स एकेडमीज खोलनी चाहिए हर स्टेट right. के अंदर, हर स्टेट yes. के अंदर, और वो भी एथलेटिक एकेडमीज, क्योंकि एथलेटिक के अंदर जो बच्चा दौड़ना जानता है वो हॉकी भी खेलेगा, वो फुटबॉल भी खेलेगा और भी गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो एथलेटिक जो है नंबर वन मानी जाती है। yes. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप बच्चे पकड़िए, हमारे पास आज कितने कोचेज हैं हिंदुस्तान के अंदर, कम से कम 25,000-30,000 कोचेज होंगे। yes. मगर रिजल्ट कौन दे रहा है, एक या दो कोचेज। आज गोपीचंद का नाम सुनते हो, आज बॉक्सिंग वाले कोच का नाम सुनते हो, आज रेसलिंग वाले कोच का नाम सुनते हो, सिर्फ 3-4 yes. आदमी हैं जो काम yes. कर रहे हैं। Correct. बाकी लोग हमें रिजल्ट क्यों नहीं देते। बिल्कुल। तो मैंने उनसे साफ कहा, मैंने कहा आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि काम जो है वो आईओए का है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का है, कि उन्होंने स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड जो है कंट्री का आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। मगर आप क्या करते हैं, आप पैसा देते हैं,
कैंप लगते हैं उसके लिए पैसा देते हो, टीम बाहर जाती है उसके लिए आने जाने का खर्चा देते हो, हर एक चीज का लेटेस्ट इक्विपमेंट लेके देते हो, स्टेडियम बना कर देते हो, ये आपका काम है, आप गवर्नमेंट जो है अच्छा कर रही है। मगर आप एक मीटिंग कॉल कीजिए जिसके अंदर आईओए के आदमी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के आदमी हो, जिसमें जिसके अंदर हर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वहां पे हो, और आप उनसे पूछिए कि जब मैं पैसा आपको देता हूं, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूं कंट्री का, तो आप मुझे रिजल्ट क्यों नहीं देते? यस, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मिल्खा सिंह पैदा हो सकते हैं, किरण बेदी पैदा हो सकती है, और टॉप के स्पोर्ट्समैन पैदा हो सकते हैं जी। मगर हम सब लोगों को सिंसियर होना होगा, हार्डवर्क करना होगा, हार्डवर्क करने के बगैर बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना, क्योंकि मैंने आपको बताया एथलेटिक के अंदर 220-230 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोचेज रखने होंगे, उनको कहो कि हमें 4 साल के अंदर, 8 साल के अंदर आने वाली ओलंपिक के अंदर मेडल चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर यही कहते हैं कि आने वाली ओलंपिक गेम के अंदर मेडल चाहिए, मगर मेडल ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को क्लियरली बता दिया है कि आप सिलेक्शन कीजिए, उनको एक जगह पर रखिए, कोचेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखिए, देखिए आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कोचेस देखे जो गलत कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मेरा ख्याल है इवन कॉन्ट्रैक्टिंग कमेटी शुड बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट कमेटी ऑफ नॉन स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन, वो करें, ना कि एक दो आदमियों के हाथ में हो। क्योंकि मैंने खुद देखे हैं कि कई कॉन्ट्रैक्ट पे भी कोचेस ऐसे ऐसे रखे गए हैं जो कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम तो इनसे बेटर कर सकते हैं। तो आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्लस कर रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है जब आप किरण रिजिजू जी से बोलो तो बोलो कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्टेड बाय हुम, नॉट बाय वन पर्सन, नॉट बाय द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, नॉट बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, बट बाय अ कमेटी, अ कमेटी विच कॉन्स्टेंटली इवेलुएट्स। और कमेटी में स्पोर्ट्स मिनिस्टर जरूर हो, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जरूर हो, लेकिन 2-3 स्पोर्ट्स एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन भी हों ताकि वो सिलेक्ट। तो ये याद रखना, मैंने खुद देखे हैं यहाँ बच्चे यहाँ शिकायत करते आते हैं कि देखो ये हमारा, और हर एक का कॉन्ट्रैक्ट अलग है सर, कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस अलग अलग है। आप एक की कॉन्ट्रैक्ट 4 साल, एक की कॉन्ट्रैक्ट 3 साल, एक की कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस कुछ और। तो वी हैव सीरियस डेफ, सो सिर्फ पैसा नहीं दो स्टेट्स को, कॉन्ट्रैक्ट से जो कोच सिलेक्ट होते हैं उनकी कंडीशंस जरूर, उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बाय अ कमिटी, नॉट बाय वन पर्सन। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप टेनिस के बारे में जानती हैं, मुझे मालूम है जी। तो मैंने कोच आपके मिनिस्टर को यही सुजेस्ट किया कि जो टेनिस का प्ले टॉप कर रहा है, जैसे रामनाथन कृष्णन है, उसका बेटा है रमेश कृष्णन है, आप तो टेनिस जानती हैं आप, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ जी। तो उनसे पूछिए, इसी तरह हॉकी के अंदर है, कितने टॉप के हमारे कैप्टन हुए हैं, उनको लीजिए कमेटी के अंदर। इसी तरह से बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, और गेम्स हैं, फुटबॉल है, आप उनको लीजिए जो आदमी जानता है गेम के बारे में। Absolutely. और वो आपको बताएगा कि वाकई ये आदमी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखने वाला है कि नहीं। बिल्कुल, अगर वो सुजेस्ट करते हैं अच्छा आदमी ये भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, तो डेफिनेटली दीजिए। अगर वो कहता मुझे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने का चाहिए दो, मगर हमें रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल तब तो बात बन जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट की जो रिन्यूअल हो उसकी इवैल्यूएशन हो परफॉर्मेंस पर, बच्चे बताएं, बच्चों से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, बच्चों का फीडबैक, और बच्चों को सुनो बिना बिना कोचेस की प्रेजेंस में, तब बच्चे आपको बताएंगे कि उनका तन मन उनका कोच कितना देता उनको। नहीं किरण जी, बात ये है कि मैं यही कह रहा हूँ कि आज एथलेटिक है, एथलेटिक के अंदर एक बच्चा मेरे पास जो है वो 11 सेकंड में दौड़ रहा है, आज मेरे पास आता है। हाँ। मगर 4 साल के बाद अगर बच्चा वो 10 सेकंड के अंदर या 9.5 सेकंड के अंदर नहीं दौड़ता, इसका मतलब मैंने काम नहीं किया जी। इसका मतलब गवर्नमेंट भी समझेगी कि इस आदमी ने काम नहीं किया जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकल आदमी हैं, जिन्होंने अपने फील्ड के अंदर कुछ किया हुआ है, वो आदमी साथ लीजिए, पैसे की कमी नहीं है। आज आपको आपको तो मालूम है सब कुछ, हमारे जमाने में 3 स्पोर्ट्समैन हुए, मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह और लाला अमरनाथ, ये 3 आदमी थे जिस हमारे जमाने में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी नहीं, एक पैसा भी स्पोर्ट के लिए नहीं हुआ करता था।
मगर 8 करोड़ों का बजट है स्पोर्ट्स के लिए, तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? इसी प्रकार सर, बच्चों का स्कूलिंग, बच्चों ताकि स्कूलिंग मिस नहीं करे, इनका स्कूल सुबह नहीं हो सकता, इनका इवनिंग स्कूल लगेगा क्लास के बाद, जब वो बच्चे रेस्ट कर रहे हो, उनकी पैटर्न ऑफ स्कूलिंग, मान लो अगर बच्चा लेवल हो गया, वो बहुत खेल के भाग के थक के फिर स्कूल भी जाए, आके होमवर्क भी करे, फिर स्कूल ग्राउंड पे जाए, फिर अगले दिन इम्तिहान भी, उनका स्कूलिंग पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा, स्कूल एजुकेशन, ताकि बच्चों को स्कूलिंग भी मिले, ताकि एकेडमिक्स में भी वो पीछे ना रहे, और उनके पेरेंट्स को भी चिंता ना हो कि बड़े होके क्या बनेंगे, बड़े होके पढ़ाई में भी लायक बनेंगे और उनको जॉब भी मिलेगा। जैसे अगर आप जॉब ले रहे हैं, आपको काम 100% मिलेगा, जॉब मिलेगा, चाहे वो रेलवे है, एयरलाइंस है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स है। यही चीज मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को सजेस्ट की है कि आपको ये स्कीम बनानी पड़ेगी। हाँ जी। क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है, अब मेरा बेटा जो था, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो था, उसने इंटरनेशनल लेवल पे गोल्फ खेली, गोल्फ में उसने दुनिया भर में नाम पैदा किया, मगर मैं और मेरी बीवी दोनों ने फैसला किया था कि हम अपने बेटे को स्पोर्ट्स में नहीं जाने देंगे। उसकी वजह ये थी कि हमारे जमाने में हमें कुछ नहीं मिला, ना मुझे कुछ मिला, ना मेरी बीवी जो थी इंडिया वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी, उनको उसको कुछ नहीं मिला। तो हमने ये सोचा था कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे, हम इसको स्पोर्ट्स में नहीं जाने देंगे, क्योंकि इसके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए जिससे कि ये अपना अपना जीवन जो है ठीक तरह से बिता सके। तो आपके नहीं कर सकते, मगर जीव ने ऑस्ट्रेलिया में एमबीए भी किया, एडमिनिस्ट्रेशन भी किया और इंटरनेशनल गोल्फ प्लेयर भी बना। ये तो उसकी जेनेटिक्स, उसने इनहेरिटेंस है, उसने पढ़ाई भी की लेकिन साथ साथ गोल्फ का इंटरनेशनल प्लेयर भी बना, ये तो उसको दाद देते। लेकिन लेकिन याद रखना सर, आपके और मेरे टाइम पर मनी नहीं थी स्पोर्ट्स में, एक ट्रॉफी मिलती थी, कप्स मिलते थे, देयर वाज नो मनी। अब मनी आ गई, पहले देयर वाज नो मनी बिकॉज प्रोफेशनल नहीं थी, वाज लाइक अ हॉबी एंड एन एंटरटेनमेंट। लेकिन अब टुडे देयर इज मनी इन द स्पोर्ट्स एंड नाउ अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी बदले तो कोचिंग कैन बिकम बेटर। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। ज्यादा बात करने की, अब मैंने तो मिनिस्टर को जो कहना था कह दिया, मैंने कहा इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड जो है इम्प्रूव हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करें और मीटिंग कॉल करें जिसके अंदर एक्सपर्ट आदमी जो है वो आए और अपनी अपनी सलाह दें। एंड आर मिनिस्टर एट द मोमेंट मिस्टर किरण इज डेस्परेट फॉर सॉल्यूशंस, ही इज ऑल द टाइम वांटिंग टू लिसन। तो आई थिंक आप किरण रिजिजू को पूरी सपोर्ट करो और पूरे आइडियाज उनको दो। नहीं, मैंने उसको सब कुछ बता दिया, मैंने सब कुछ कह दिया, क्या करना है, किस तरह से करना है, सारी चीज बता दी है। और जो आपने पॉइंट जो कहा है कि जो माँ बाप तभी भेजेंगे बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर अगर उनको मालूम हो कि मेरा बच्चा स्टेट लेवल पे फर्स्ट आ गया है तो उसको ये जॉब मिलेगी, मेरा बच्चा नेशनल लेवल पे फर्स्ट आ गया तो उसको ये जॉब मिलेगी, जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत के आया उसको ये जॉब मिलेगी। तो ये चीजें रिजर्व होंगी तभी माँ बाप जो इंटरेस्ट लेंगे, अदरवाइज कोई भी इंटरेस्ट। उसका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। अगर वो सारा टाइम स्पोर्ट्स को देता है, माँ बाप भी देते हैं, तो बच्चे को और पेरेंट्स को ये फीलिंग होनी चाहिए मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है, उसका बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है, करियर सिक्योर है। दे नीड वेरी वेरी गुड कोचेस, दे नीड गुड गाइड्स। बिल्कुल सही बात, कोचिंग, द करेक्ट कोचिंग इज रिक्वायर्ड। जो आपकी मम्मी ने कहा है, जो आप कह रही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो मैंने आपसे, मैंने तो यही सुजेस्ट किया उनको कि कोचेज जो रखने हैं आपने, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखिए और वो आदमी रखिए जिन आदमियों को नॉलेज है स्पोर्ट्स के बारे में, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं होता। करेक्ट। और बोलो बच्चे, क्या आप? हाँ जी सर, आपने निर्मल आंटी के बारे में मेंशन करा, प्लीज उनको बुलाएं सर, निर्मल आंटी प्लीज ज्वाइन अस। अच्छा, अभी आ जाएंगी। आपको मालूम है कि निर्मल आंटी जो हैं, मैं उसको उनको क्या क्रेडिट, कितना क्रेडिट देता हूं, आपको मालूम है चीज के बारे में? नहीं, मैं उनको देख पा रही हूं। जी, उनको बुला लीजिए, वो आ गए। बताना चाहता हूं कि अगर आज मेरा बेटा इंटरनेशनल फेम का गोल्फर है, अगर आज मेरी बेटी डॉक्टर है अमेरिका के अंदर, और जो जो आदमी कोरोना से मर रहे हैं उनको बचा रही है, तो वो मेरी बेटी है वहां पे।
और जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं लिखाए हैं ये सारा क्रेडिट जो है आपकी आंटी की। मैं समझता हूँ कि मैं तो सारी जिंदगी दौड़ में मेरी फेवरेट मैडम। थैंक यू वेरी मच। तो मैं बच्चे जितनी ट्रॉफीज मैंने जीती हैं दुनिया के अंदर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपनी बुक के अंदर भी लिखा है कि सबसे अच्छी ट्रॉफी जो मैंने जीती है वो मेरी बीवी है, और जो सारा काम मेरी बीवी ने किया, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को इस जगह पे पहुंचाया, तो सारा क्रेडिट जो है मैं अपनी बीवी को देता हूँ। 100% राइट। आपकी जो रियल गोल्ड मेडल फॉर लाइफ है वो मेरी निर्मल आंटी है। आपने बड़े अच्छे सवाल किए, आपकी मम्मी से भी आज मुलाकात हो गई है मेरी, मुझे खुशी है, और मैं इसी तरह चाहता हूँ आप भी लाइफ में आगे बढ़ो और मम्मी की तरह नाम पैदा करो। ये देखो आप मेरी किताब में है, आप देखो आप मेरी बुक में है, आपके बिना ये बुक हो ही नहीं सकती थी। ये देखो आपने जिस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे लिए आपने ये सारा अपना स्पोर्ट्स का गोडाउन खोल दिया था, ये है पिक्चर। आपने करके भी बताया आप नेशनल चैंपियन बनी, कितनी बड़ी बात है। तो मैंने मैंने आपको बोलो आपके साथ बैठे निर्मल मैम को बोलो आपके साथ बैठे, चलो आओ जी बैठ जाओ, कहते हैं कैसे जी बैठो बच्चे आ जाओ, चलो आ जाओ, ले तेरी आंटी भी आ गई है, अब कर ले बात। निर्मल आंटी आप हां जी बोलो आपके साथ। हाउ आर यू? हाउ इज एवरीबॉडी? मम्मी आई एम किरण मैडम जी। Mummy, I'm carry on. Mummy, I'm struggling today. I can't see Nirmal aunty. Don't worry. I'm managing for you. I'm handling it for you. I understand. Nirmal aunty, very welcome. Yes. Thank you. Nirmal aunty, very welcome. Thank she you. She is the rock. She's the gold. We all love you. We all love you. Carry on. Hello. Yes. We all love you. Oh, we all love her. Even I appreciate your efforts. We all know you're not a professional journalist. It's an effort to learn and do. Yes. Kiran madam, you are looking very smart. Ma'am, what tennis at tennis se vajah. You are just the same. No change in you. Main bhi kat khan diya. Jis tarah Bilka Singh sahab kat khan de, main bhi kat khan diya. Very good. Achhi baat hai. Aur main roz exercise kar diya. और साइना बताओ। हाँ बताओ साइना। Struggling with connectivity। हाँ जी आंटी मैं आपको एक हार्ट स्पेस दिखाती हूँ। हार्ट स्पेस इज ऑल अबाउट योर हार्ट, आपका हार्ट एंड सर का हार्ट। अनूप जी हार्ट स्पेस दिखाएं। Despite her celebrity status, I've always known Dad to be a simple, down-to-earth and a straightforward person. Sometimes a bit too straightforward for his own good. Right from her childhood, Dad has taught us with an example, and that example is his own life story. His life story of how he overcame the most traumatic circumstances to emerge as a world record holder. How he won against tremendous odds. He made us believe that anything was possible. At the same time, he taught us that failures are a part of living and how setbacks can strengthen. He's 91 years old and I'm surprised to see his zeal and dedication towards his own physical fitness, which is in superb condition. Even at this age, he goes for a daily jog and walks while playing golf, which is wonderful.
He wants us to give top priority to physical fitness, no matter what the circumstances. In 60 years of marriage, he has been a dedicated and caring husband who considers my mom as his biggest trophy. Our parents are our friends who have been very supportive as we began choosing our own paths in life. Dad and Mom, your unconditional love will stay with us forever. Thanks for being the best parents a son or daughter can have. Very nice. Yeah, really nice. और साना बोलो नहीं साना से पूछ रहे क्या क्वेश्चन पूछ रहे और बेटे आपको ये कुछ स्विच ऑन योर माइक या दिस वाज अलीजा हुन मोना बोलेगी मोना द वीडियो दिखाओ जी अच्छा हाय हुन मोना बोलेगी यस आई वुड लाइक टू से दैट आई फील एक्सट्रीमली प्राउड एंड ब्लेस्ड टू बी मिस्टर मिल्खा सिंह'स डॉटर Not because of the fact that he's a celebrity, Mona ka video dikhaye, but because of the fact that he is a true survivor. A man who survived it all to achieve it all to become a legend. Achha, we will ask. All we the will odds ask. That were stacked against him. Secondly, I would like to thank him for giving us an amazingly normal childhood where there were absolutely no pressures to perform or to prove anything. Taught us the right values in life. Which was to give it your best shot in every situation. Even though he's a celebrity and a legend, he is an extremely humble man, and I love that about him. Love you loads, Dad. Thank you so much, baby. You're the daughter of a living legend. And it's so good to see you on camera. I have not seen you on camera with many other interviews with your grandparents and your parents. So I'm so happy to see that Saina has been able to get you included into this interview. I'm so grateful to my daughter. My daughter is a very amateur. She's only a writer and a thinker, but she's not an interviewer. She's not a professional. So please forgive her if there are any lapses, but she has brought you all together as a family. And when she said, she said, Mom, I want to see this family. Go ahead. She has done a great Mami, job. Auntie, yes. I have joined. I can see you. I can see you now. Thank God I can see you. Anup ji, let's get Sonia now. Let's connect Sonia and Jeev, please. Okay. Lovely. Let's connect. Sonia bhi aa rahi hai ji. Jeev bhi aa rahi hai. Yeah, she's there. Sonia is already on camera. Hi, I'm there already. Hi. Hi, Sonia. Hello, how are you? Sonia? Very well. Yes. Sonia, how was it writing the book with your father? It was a great experience. Got to know a lot about him, which we didn't know before. So it was really nice. It was a great experience. Great to see Jeev also. See, she's brought you all together. I've seen so many. It's so nice. No, Saina. Go ahead, Saina. There's no connectivity here. Okay, Mami? If you allow me, I will take Mami, it forward you because you have to connect with Yes, Jeev has joined us also. Sonia, yes, I can see you. For Jeev, sir is his friend, philosopher, and guide. Jeev, a few words about sir. Honestly, I'm a very fortunate human being to be born with such parents who've given me the right guidance, values, to be a presentable human being in this world. And the discipline they had for me and made sure that I followed that to become a good athlete, I think I'm grateful to them for what they've done. And they gave all the opportunities and made me see the world and also made me realize that if you become a famous athlete, you need to be humble because that's what's going to take you forward. Yes, blessed. And how are you letting your son, your little pudding blossom in his own time? How are you protecting him from the
I'm a firm believer that the right guidance starts from home. And like I learned from my parents, I'm trying to do the same by telling him the right things at the right time and giving him the opportunities to follow his dreams. I think that's very important. Spend a lot of time with him. In today's day and age, a lot of parents don't have time for the kids. I think it's very important to take out time, because the right values can only be given to a child if you take out time from your busy schedule. And also listen to him, talk to him, and become a friend to him. Not be strict with him. And if you are a friend to your child, he can open up and he can talk to you, and then he can discuss whatever he wants to, and then you can guide him. And after that, he can do whatever he wants. And I think it's very important to have that relationship of trust with your children. And when you have that, that's going to make the child believe in himself. And I think the most important thing for any child in today's day and age is that belief. And if he has that belief in whatever he wants to do in his life, I think he's going to be a successful human being. For us, when I personally heard that Mr. Milkha Singh's son is not an athlete but a golfer, it was such a not a volleyball player either. So neither mummy's sport, not daddy's sport, but you created your own sport and took us also on the golf map of the world. That was great, Jeev. You and I on Twitter together. You and I keep tweeting. I keep tweeting everything to you. Yes, thank you, man. I tried sprints of 200 and 400 meters. I think I was not good enough. So I said, I better start walking on the golf course. And I think I've been successful that way. So neither mommy's sport, not daddy's sport, but you created your own sport. Yes. Because also on the golf map of the world. Mommy, since you are such, all of you such sports people, tell us what true sportsman spirit is all about. Good, lovely. I'll ask this question. Go ahead. Let's have Mr. Milk. Let's have ma'am speak. Ma'am, what is sportsman spirit? Aap batao. Because you were also national. True sportsman spirit all about. What is sportsman spirit? To be calm and quiet under all the circumstances, whether you are winning or losing, you should not spoil your mood. Apna kaam raho. अपने आप को कंट्रोल में रखो, ये नहीं है कि हार के तो गुस्सा निकाल दो और अगर बल्ले फेंक दो. मैं जीत के बारे में कह रही हूँ, बॉल खेलते खेलते गुस्सा आए, शॉट अच्छा ना लगे तो बल्ला फेंक दो. वॉलीबॉल का कहाँ देखता है एग्जांपल, अगर शॉट ना लगे वॉलीबॉल का तो प्लेयर के साथ गुस्सा करो कि तुमने गंदा खेला इसीलिए मैंने अच्छा खेल लिया. दिस इज नोन एज स्पोर्ट्समैनशिप टू बी इट इज ए क्वेश्चन ऑफ टीम वर्क. दैट्स राइट इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन और एनीथिंग यू हैव टू बी वन एंड दैट इज द स्पोर्ट्समैनशिप. यू हैव टू ओबे एंड बी हंबल एंड डाउन टू अर्थ इवन इफ यू आर अचीवर एट द हाईएस्ट. Yes. How do you practice this, Jeev? How do you practice what mommy said? I've been told over and over many times, but honestly, it's very important to, if somebody has done better than you, very important to appreciate that. And you've got to, obviously you feel bad that he's beaten you, but you've got to take the good out of that and turn it into positive. So that is something lacking in you. You've got to work on that so that next time when you're in the same competition, you're better than him. But if he's beaten you, you need to take that hat off and you need to congratulate him and be gracious enough to take it in the right manner so that in the future you can improve on it. Sonia, you were a writer. You've written your daddy's book. How did you research it? How did you get the material? I became a writer only when I wrote his book. I was never a writer before that. But then it was a great experience. And research was all dad right there helping me out. So that was all the research that was needed. And that's how we both sat down and wrote the book.
How did you recall everything? Did you have documents? Did you research? We did have a few documents. Carry on. The rest was all there. Dad kept telling me everything. So we put it together. And that's how the book came out. So it's more of a recall and narrative, or you had documentation as well? Few documents. Rest was all narrative. Rest was all dad's recalling and everything. And that's about it. Not many documents, though. And that became the script of Bhags Milkha Bhag. Milkha Bhag. Yes, absolutely. And Jeev, full marks to you that you chose the right producer and the director. Full marks to you. Yes. Just watching Bollywood movies. So I think after... Sir, I feel... I think hopefully I made the right decision. You did the best decision you did. Kiran, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे से कम 5-6 डायरेक्टर मेरे घर पे आए. बिल्कुल. तो किसी ने कहा जी मैं 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, किसी ने कहा मैं 2 करोड़ दे दूंगा, किसी ने कहा मैं 3 करोड़ दे दूंगा, 1.5 करोड़ पहले दे दूंगा और 1.5 करोड़ फिल्म चलने के बाद दे दूंगा. मगर ये फैसला जो था जीव का था, क्योंकि मैंने तो 1960 के बाद कोई फिल्म नहीं देखी कि कौन सा डायरेक्टर अच्छा है, कौन सा एक्टर अच्छा है, कौन सा प्रोड्यूसर अच्छा है. ये सारा क्रेडिट जो है वो जीव को जाता है. मुझे ये वहां पे 4-5 डायरेक्टर बैठे हुए थे घर के अंदर, ये मुझे कहता है पापा मैंने आपसे एक बात करनी है. मुझे अलग कमरे में ले गया, अलग कमरे में ले जाके कहता है, क्योंकि ये तो जब गोल्फ खेलने के बाद आता है होटल पे तो एक इंडियन मूवी जो है रोज देखता है ये. तो इसने कहीं रंग दे तो वो रंग दे बसंती जब इसने देखी तो इसने मुझे जाके अंदर कमरे में ले जाके कहता है पापा अगर हमने ये स्टोरी देनी है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा को देनी है, और देनी है 1 रुपए में देनी है. मैंने कहा भी ये किस तरह से हो सकता है कि लोग तो पैसे के पीछे भागते हैं और हमें 3 करोड़ रुपया दो करोड़ रुपया मिल रहा है और आप कह रहे हो कि हमने 1 रुपए में देनी है. तो इसका क्रेडिट जो है किरण मैं इसको जीत को देता हूं, क्योंकि इसने जो था फैसला किया कि मैंने ये स्टोरी जो है राकेश और राकेश मेहरा ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और जिससे सारी जनरेशन जो है सारे बच्चे जो इंडियन जो है वो इंस्पायर हुए इस चीज से. मुझे इस बात की खुशी. I said it was Rakesh's vision to make a movie on him. It was his vision actually. Rakesh Mehra's. It was Rakesh's vision. Yes. Sir, before calling Rakesh ji, thoda jiya dasso, what is your daily routine like? Kaun mitha bahut pasand hai? You're yet jogging? You're yet playing? हाँ बच्चे तो बड़ी बहुत पसंद है, गुड़ बड़ा पसंद है. मैंने खुशी दी गल है कि तू पंजाबी च मेरे नाल गल कीती है. बच्चे मैनू मीठा पसंद होंदा सी बचपन वेले, पर ऐसे ले मैं ना ज्यादा मीठा खाना ते ना ही ज्यादा लून खाना. समझदे ना, नमक जड़ा ओ भी मैं ज्यादा नहीं खाना. बाकी जॉगिंग जड़ी है मैं हफ्ते 2-3 बारी ना, मैं अपने महसूस करदा कि अज कुछ गुम हो गया. तो मैं 2-3 बारी हफ्ते दे जॉगिंग करता ही करता, 1.5 किलोमीटर जाने ही जाना. तो मैं सुजेस्ट करना हर आदमी ने, अगर आप तुसी फिजिकली फिट हैगे हो तो तुहानू किसे डॉक्टर दे कोल जान दी लोड़ नहीं. बच्चे तू हैरान होएगी कि मैं ऐसे इतने विच भी आज किसी डॉक्टर दे कोल नहीं गया. मेरे हेडेक होंदी है, बैक एक होंदी है, कदी नहीं जाना. मैं ओही सारे सलाह देना कि भी डॉक्टर के कोल जान दो. अगर जे तुसी जॉगिंग करदे हो और एक्सरसाइज करदे रहंदे हो तो ब्लड सर्कुलेट करदा है और सारे बैड जर्म जड़े अपने आप वॉश आउट हो जाते हैं. तो किसे डॉक्टर के कोल जान दो. सर ने इतनी गल्ला पूछनी आसी, इतनी तुसी कदी नहीं जाओ कोई भी डॉक्टर दे कोल नहीं जाना सी. सर मैं इतनी गल्ला पूछनी आसी, पता नहीं आज सिग्नल पर जोर अब भी मर्जी, बट आई वांट टू टेल यू सर, व्हेन आई वाज सीइंग द मूवी and when your father, before we call Rakesh ji, when your father blessed you and when he said bhag milkha bhag, unhone apne dard mein bhi aapko blessing de di sir, unhone apne dard mein bhi aapko blessing kar de di. He wrote your destiny even in his pain and he gave you everything sir. And Rome Olympics sir, you've got everything, you've got your medals right here, you've got Jeev, you've got Sonia, you've got your family. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ. ਯੂਵ ਡਨ ਯੋਰ ਬਿਟ
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ ਸਚਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਕੈਪਟਾਲਾਜ Thank you. Thank you. God bless children. You've got a loving family. और कुछ नहीं चाहिए था। होंसा भाग मिल्खा भाग राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी प्लीज आप आए प्लीज थैंक यू वेरी मच बच्चे थैंक यू वेलकम राकेश राकेश जी हाउ आर यू राकेश जी हाउ आर यू हाउ आर यू You know what I want to ask you the first thing though everybody asks you what's your vision what was your vision for making this movie what I want to ask you is what's been your greatest learning while making this movie sabse pehle uncle aunty pehri pana yes Kiran ji so good to be on the same मतलब दिस इसको कहते हैं कि मतलब इज्जत मिलती है तो खुलके मिलती है आई एम विद ग्रेट पर्सनालिटीज डी सोनिया लाइक दे लाइक फैमिली एंड आई थिंक मेरे को सबसे एक फैमिली से और जुड़ा मैं सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि एक यू हैव योर फैमिली एंड यू थिंक दैट इज इट एंड देन सडनली लेटर इन लाइफ you get accepted into another family yeah you don't sleep there and wake up in that room but in my heart though I every day I feel that it's the blessings of Nimi auntie and Milka sir with me the love Jeev and Sonia have given is tremendous and I think that's what I like to correct you I didn't make the film made me So, Ulta. Well done. I like that. Yeah. So, how was it? How was the inner journey for you? How was the inner journey for you when you went through each incident of Sir's life? I think the journey continues. It's not ki. फिल्म बनानी थी बन गई और बात खत्म हो गई ये तो एक जुड़ने का मौका मिला विद द लाइफ ऑफ अ लेजेंड और ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं इट कीप्स ग्रोइंग एंड द फिल्म कीप्स ग्रोइंग सो नाउ ऑल्सो व्हेनेवर इट कम्स ऑन टेलीविजन और ऑन नेटफ्लिक्स और अमेज़न और CNN और समथिंग Channel 4 and it had one of the highest ratings in England even now that means the film has not remained a film it's become a little more than that and it's inspired by a true life and in turn it's now inspiring millions as far as I was concerned at best I can describe my role was that of a wire But the electricity was Milka Singh that passed through it. Nimi auntie's blessing was always there. She spoiled me crazy. But I used to keep looking forward to going to Chandigarh, Kiranji. Uh-huh. The time ke Chandigarh jaane se pehle main 2 din pehle khana band kar deta. Kyunki wahan jaate matlab I used to look अरे बिल्कुल परांठे और वो छोले और प्याज की चाट मेरे को याद रात को आइसक्रीम इट वाज वंडरफुल एंड द लर्निंग्स आर एंडलेस दिस हाउ वेयर टू स्टार्ट वेयर टू एंड आई डोंट नो सो दे वर लाइफ लर्निंग्स एंड व्हेन देयर आर लाइफ लेसंस इट्स डिफिकल्ट टू पुट देम इनटू वर्ड्स यू हैव टू टेक दैट एंड देन Translate that in what you do every day. Yeah, so your day to day moments. Yes. Day to day. Eternally grateful that I got to express myself through the story of Milka sir. Extremely grateful to Jeev who put everything together like an architect. He's the real hero, and
behind the scenes. You know, we have in front of the scene and then behind the scene heroes. So he was the architect, Kiranji, and absolutely. And I can keep saying words, what was the learning of the film, but they will just remain words. I think the feeling is much greater. It clearly shows you have a bond with them. You have a what past lifetime bond with them. Sir, what you chose the right person with the right features. Was it by looks or was it by his potential that you chose Akhtar, Irfan? Farhan and me, we go back a long way. Yeah. When he was directing, I had offered him to act in a film. Actually, I offered him Rang De Basanti, a role in Rang De. And he was pretty most surprised. Okay, Milka sir, ki yaar, main to direct karta hun, tu mere se acting karwa raha hai. So when this film was happening, and everyone wanted to act in this film, all the actors, you know, the biggest of the superstars, because they understood when I narrated the story. In 20 minutes, they understood when the word got around. But I was very keen that everything, you know, when you do something with a clean heart, sachche dil se kaam karo to cheezein sahi padti hain. Achhe hoti hain. So that's how it happened. राकेश मेहरा को देनी है, मुझे इस बात की खुशी है, इसने फैसला किया। बहुत अच्छी। और जो तूने एक्टर सेलेक्ट किया उसमें काम करने के लिए, मैं हैरान हूँ कि उस लड़के ने ऐसे इस तरह का काम किया, जिस तरह से मिल्खा की शक्ल पूरी उसने बना के जो उसने करके दिखाया, लोग कहते हैं कि डिटो काफी अब मेरे पास कमाल कर दिए बिल्कुल। दैट डिटो द वे यू कन्वर्टेड अख्तर टू इरफान अख्तर या मामा फरान यू कन्वर्टेड फरान टोटली लुक लाइक मिस्टर मिल्खा सिंह टोटली हाउ डिड यू डू दैट आई गेस ट्रांसफॉर्म 18 मंथ्स बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग मैम We hit the stadium in Bombay. We don't have so many open areas, so on the track. And every morning I used to be there at 5:45, and Farhan would come at 6, and we would train every day. Not that I was training him. We had a lovely coach, a national coach from Railways called Melvin. And then I had to do nothing. I just had to tell him the story of Milkha sir again and again. He, a 12-year-old boy who has lost his family or lives in a refugee camp, chhat ke upar, matlab sar pe chhat nahi hai, maa baap ka haath nahi hai, pair mein pehenne ko joote nahi hai. How does he go out and create a national record which stays on for more than 50 years, if I'm not wrong? Correct. How does he go and create a double Asian game record with gold medals, then goes out to beat the world athletes at Commonwealth Games in Cardiff, and then runs the race in a world record time later on, creates that. So, ye baat jyada maine rakhti hai. See, it's not about I'm from a privileged, there were coaching available to me, diet available to me, a program available to me from the state and the government. It was his willpower. And I think he had himself witnessed life so much. And kehte hai na, jab tak apne aap ko jalaoge nahi, to roshni hogi nahi. So he burnt himself. And through that light, I think, or thodi light hum pe bhi pad gayi, to we are also shining.
किरण जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा ही वाज नेशनल चैंपियन इन स्विमिंग। हमने वो स्विमिंग डाला जो 82 जनरेशन गेम हुई है, ही वाज सिलेक्टेड इन द इंडियन टीम। वंडरफुल। ये सारी चीजें जो है, ये एज ए स्पोर्ट्समैन इसको दर्द मालूम था कि स्पोर्ट्स का दर्द क्या होता है। करेक्ट। जो उसमें चीजें डाली हैं फिल्म के अंदर, एक स्पोर्ट्समैन ही डाल सकता है, दूसरा आम आदमी इस तरह का काम नहीं कर सकता। सर मैं आपको पूछना चाहती हूँ, मैं राकेश जी को भी सुना, आई वॉन्टेड टू आस्क जी ऑल्सो, मम्मी आपको भी, आंटी को, इवन सोनिया, बिकॉज शी रोट द बुक विद यू। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फोकस, वॉट यू फोकस ऑन, एंड एक जुनून चाहिए, एक जुनून चाहिए। हाउ डू यू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ यू, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। चाइना में आपको यही चीज कहना चाहता हूँ, अगर तुमने अच्छा दुनिया में नाम कमाना है तो आपको अपनी मम्मी से सबक लेना चाहिए, आपको अंकल की लाइफ से सबक लेना चाहिए, राकेश ओम प्रकाश मेरा लाइफ है और जीत आपके साथ बैठा है इसकी लाइफ से, सोनिया बैठी है उसकी लाइफ से। तो मैं आगे बढ़ना है और मम्मी की तरह नाम जो है दुनिया में आपने पैदा कर, तब मुझे खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, दे नीड सम टाइम टू रेस्ट, विद माय कृपा इट विल ऑल हैपन, एंड वी एंड द शो, वी कंक्लूड द शो, आई सीक फॉरगिवनेस फॉर द कनेक्टिविटी इश्यूज एंड जब भी आप आते हो ना चंडीगढ़ जरूर मिलना, घर पे आना। Thank you.